लगभग हम सभी ने ईट मूवी देख ली है, मतलब जो लोग हॉलीवुड के दीवाने हैं, खासकर उन्होंने। ईट मूवी जो स्टीफन किंग की ईट बुक से एडाप्टेशन है, जिसे एंडी मुस्चेटी ने डायरेक्ट की थी। मूवी हिट साबित हुई, जो 117 मिलियन डॉलर की कमाई की थी। सो हम सभी ने डांसिंग क्लोन यानी पेनीवाइज को तो देख ली है, उसकी कुछ हद तक रियल और डरावनी फेस के साथ। लेकिन क्या आप जानते हो हु इज पेनीवाइज, व्हाट इज द गोल और कहां से आया है? सो चलिए आज जानते हैं पेनीवाइज के ओरिजिन, पावर्स और उसकी एबिलिटीज के बारे में। So hello friends, welcome to Minak Studios. Let's start. Subscribe कीजिए, bell icon को दबाइए latest video पाने के लिए। द क्रिएचर जिसको हम ईट कहते हैं, वो ऑब्वियसली एक क्लोन तो नहीं है, ये तो हमें अब पता चल चुका है, क्योंकि ये एक एंसेंट इविल है जो बिलियंस इयर्स ओल्ड है, जितना ओल्ड हमारा यूनिवर्स लगभग उतना ही। ईट का ओरिजिन उस खाली जगह पर हुआ जो अनडिस्कवर्ड था, जिससे हमारी पूरी यूनिवर्स घिरा हुआ था, जिसको कहा गया मैक्रोवर्स। ईट का होम डायमेंशन यानी आयाम एक रिल्म यानी क्षेत्र में था, जिसको कहा गया डेडलाइट्स। मूवी में एक पल के लिए बिली ने ईट के एक्चुअल फॉर्म का झलक पाया था। हालांकि को पेनीवाइज नाम के एक मेल जोकर के फॉर्म में आना पसंद है, लेकिन नोवेल में वो एक फीमेल स्पाइडर का भी फॉर्म ले चुका है। ईट का एक दुश्मन भी है जो मैक्रोवर्स से बिलोंग करता है, जिसका नाम है द टर्टल मदोरिन। ईट अपने आप को द टर्टल से भी ज्यादा सुपीरियर समझता है। ईट लाखों साल पहले एक कैटाक्लाइज्मिक इवेंट के दौरान अर्थ पे आया था, यानी एक नेचुरल डिजास्टर्स इवेंट के दौरान, और लैंड किया नॉर्थ अमेरिका के उस जगह पे जहां टाउन डेरी बाद में बनाया गया। लाखों साल ईट धरती के नीचे सो रहा था, लेकिन जब 1715 में डेयरी टाउन बनाया गया, तब ईट जाग गया। ईट हर 27 से 30 साल बाद बाद जाग जाता है और बच्चों को अपना शिकार बनाता है। ईट बच्चों को अपना शिकार इसलिए बनाता है क्योंकि बच्चों को डराना आसान होता है। ईट पेनीवाइज द डांसिंग क्लोन का रूप इसलिए लेता है क्योंकि स्टीफन किंग का मानना है कि क्लोन बच्चों को जितना डरा सकता है, दुनिया की और किसी चीज उतना डरा नहीं सकता। सो हम मूवी में देखते हैं, जैसे ही बेन ने लाइब्रेरी में डेयरी के हिस्ट्री की खोज की, उसे पता चला ईट सदियों से डेयरी में आतंक और मौत का हिस्सा था। किचन और आयरन वर्क्स में विस्फोट के लिए ईट जिम्मेदार था, जिसमें बहुत सारे बच्चों के साथ बहुत लोगों की मौत हो चुका था। सो आप बात करते हैं ईट की पावर और एबिलिटीज के बारे में। एक प्राचीन सुपर नेचुरल इविल होने की वजह से ईट एक महाशक्ति का हिस्सा है। सबसे इम्पोर्टेंट, ईट एक शेप शिफ्टर भी है जो किसी भी रूप में ट्रांसफर हो सकता है, खासकर उसकी विक्टिम जिन चीजों से डरता है ईट उसी में बदल सकता है। जैसे हम मूवी में देखते हैं एडी को एक जॉम्बी टाइप का इंसान डराने का कोशिश कर रहा है, नोवेल में ईट कई और मॉन्स्टर का भी शेप ले चुका है, जैसे जायंट स्पाइडर, ड्राकुला, उल्फमैन, फ्रैंकेंस्टाइन मॉन्स्टर, शार्क, रोडन। हालांकि प्रोड्यूसर के पास सिनेमेटिक राइट्स ना होने की वजह से वो बाकी शेप में ईट को दिखा नहीं पाया। ईट किसी भी चीज को अपने बस में करके लोगों को डरा और मार सकता है। इसी तरह वो आग के साथ छेड़छाड़ करके माइक के पेरेंट्स को मार डाला था। ईट कंट्रोल कर सकता है इंसान को कि वो क्या देखे और क्या नहीं। इसी वजह से एल्विन मार्स बेवरी के बदमाश पिता, जिसे दिखा नहीं कि पूरी बाथरूम खून में डूबा हुआ है, ईट ने बेवरी के ऊपर अटैक किया था सिंक के जरिए खून के फवारे छोड़कर। लेकिन क्या आपको महसूस हुआ ईट के सबसे पेचीदा और यूनिक पावर के बारे में? मुझे तो हुआ, और वो है लोगों के अंदर से ईट अपने डर बहुत आसानी से खत्म कर देता है अपना काम हो जाने के बाद, और लोगों को महसूस ही नहीं होता है कि उनके साथ कुछ बुरा हुआ था, जो एक्सप्लेन करना मुश्किल है। लकीली और अनफॉर्चुनेटली मूवी में लूजर्स गैंग ने समर 1989 को कभी नहीं भूलेगा, क्योंकि उनका प्लान था समर को एंजॉय करने का बैटमैन जैसे मूवीज के साथ टाउन डेरी के लोकल थिएटर में। सो ये था ईट से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन। सो आपको क्या लगता है ईट के बारे में? प्लीज कमेंट योर ओपिनियन। सो इस वीडियो में बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए बाय बाय।